हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पतले और झड़ते बालों की समस्या बहुत ही बड़ी होती है और कुछ लोगों के लिए तो ये किसी बुरे सपने की तरह होती है। अगर आपके बालों के साथ भी ये हो रहा है तो मौका है अपने हेयर केयर रूटीन को थोड़ा बदलने का। अच्छी डाइट के अलावा आपका हेयर केयर रूटीन ऐसा होना चाहिए जो बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेयर फॉल को सबसे फास्ट कंट्रोल करने का सबसे इजी और इफेक्टिव रेमेडी। ये आपके हेयर फॉल को तो कंट्रोल करेगा ही, साथ ही आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बॉल में हमें 3 चम्मच दही लेना है, हमें हंग कर्ड लेना है। हंग कर्ड मतलब जिसमें पानी निकला हुआ हो दही। दही हमारे हेयर फॉल को रोकता है, ये हमारे बालों को लंबे समय तक मॉइस्चराइज भी रखता है। फिर इसमें हमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा हमारे स्कैल्प के डेड सेल्स को रिपेयर करता है, ये एक नेचुरल कंडीशनर है, साथ ही ये हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। 2 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कीजिए। हेयर को फास्ट ग्रो करने के लिए और हेयर फॉल को कम करने के लिए कैस्टर ऑयल सबसे इफेक्टिव होता है। और लास्ट में 3 विटामिनी कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई हमारे बालों को बढ़ाने में मदद करता है, हेल्दी बनाता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे अपने स्कैल्प और बालों की लेंथ पर अप्लाई कर लीजिए। इसे अपने बालों में 1 से 2 घंटे तक लगाकर छोड़ दीजिए और फिर माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर की हेल्प से बालों को वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए इस हेयर पैक को आपको वीक में 2 बार यूज करना है। इस हेयर पैक से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अपने बालों में देखने को मिलेगा। इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और बाल जल्दी ग्रो भी करेगा और हेल्दी बनेगा। आप इसे यूज करके अपना रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आपको करना मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस, टेक केयर।